नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो छोटा सा वीडियो है और इन्फॉर्मेशन देने के लिए। काफ़ी सारे लोग जो स्मेल के लिए मेडिसिन खा रहे हैं, पूछ रहे हैं मेरे से क्या किया जाए। तो आपको जो स्मेल की प्रॉब्लम है, डिफरेंट आ रही है या फिर आपको स्मेल कम आ रही है या फिर ज़ीरो आ रही है, तो आप जो है पहले तो मेरा वीडियोज़ देख लीजिए, आपकी जो स्मेल वापस आ जाएगी। आपने एक चीज़ की हुई है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम अजवाइन 4 दिन से कर रहे हैं, हमें स्मेल नहीं आ रही है। अजवाइन आप 1-2 दिन कीजिए, आप जो और ट्राई कीजिए जो मैंने और चीज़ें बताई हुई हैं। इतनी सारी चीज़ें मैंने इसलिए बताई हैं क्योंकि सभी लोगों को अलग अलग चीज़ों से फ़ायदा लगता है। तो जिस चीज़ से आपको लगता है आप उसको ट्राई कर लीजिए। नाक में डालने के लिए बताया हुआ है, क्या चीज़ें करनी है वो भी बताया हुआ है। इसकी मैंने प्ले लिस्ट भी अलग से बनाई हुई है कि आप जाइए, उसमें जो है सारे इकट्ठे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ये प्रॉब्लम अगर आपको चल रही है तो। इसके बाद आता है कि डॉक्टर साहब हम कौन सी मेडिसिन यूज़ करें। मेडिसिन भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। होम्योपैथी के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं कॉल्चिकम, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, कॉल्चिकम 30% में इस्तेमाल कर सकते हैं, जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, वो उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। कॉल्चिकम एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, नुकसान नहीं देगी, उसकी ड्यूरेशन आपके नहीं बढ़ाएगी। ड्यूरेशन बढ़ाने का मीन्स कि आपकी स्मेल अगर 20 दिन में आनी है तो वो 20 दिन में आएगी, 10 दिन में आ जाएगी, उससे ड्यूरेशन नहीं बढ़ेगी। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एलोपैथिक मेडिसिन बताऊँ तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जस्ट मैं एक अपना अनुभव बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करें, मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ पेशेंट्स की जो है मल्टीविटामिन खा के आई होगी, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ पेशेंट्स हैं जिनकी एंटीबायोटिक खा के आई हैं, स्मेल वापस आ गई, मैंने एंटीबायोटिक्स खाई थी, हमने विटामिन सी की टैबलेट खाई थी हमें उससे आ गई है, हमने मल्टीविटामिन खाई, जिंको बीट खाया हमें उससे आ गई है। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अपना अनुभव है, अपने कमेंट्स हैं और अपने पेशेंट्स हैं, सभी से मैंने जाना है, आप इस परेशानी में कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो स्मेल करने की क्षमता है वो आपकी और घट जाएगी, और अगर वो आने वाली है तो उसकी ड्यूरेशन और ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स कि अगर वो आपकी 20 दिन में आने वाली थी तो आपकी 30 दिन में हो जाएगी, 25 दिन में हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? आप जो है आपकी जो बॉडी है, अगर आप उसमें पैरासिटामोल यूज़ कर लेंगे, आप उसमें कोई एंटीबायोटिक्स यूज़ कर लेंगे, आप एजिथ्रोमाइसिन यूज़ कर लेंगे या फिर आप कोई और एंटीबायोटिक खा लेंगे, आपको थोड़ा नज़ला जुकाम भी हुआ, आपने पता लगा सिट्राजिन खा ली, एविल खा ली, तो ये सारी चीज़ें उसकी ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए होती है, वो ठीक करने के लिए नहीं होती हैं। तो मेरी जो ओपिनियन है, आपको मेडिसिन इस्तेमाल इसमें नहीं करनी चाहिए। कोई है जिनको फ़ायदा लगा है तो काफ़ी अच्छी बात है, कोई ऐसी मेडिसिन है एलोपैथिक में भी तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, कोई ऐसा कोई स्प्रे है डालने का तो उसको भी आप ज़रूर बताइए, ठीक है। अदरवाइज़ जो यहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप जाके उनको चेक कर लीजिए, आपकी जो स्मेल उससे वापस आ जाएगी। लोगों के कमेंट्स पढ़ लीजिए, जो पिन किए हुए कमेंट्स हैं आप उनको भी पढ़िए कि लोगों की स्मेल कैसे वापस आ गई, ठीक है। तो आप पूछते हैं मेरे से कि जी डॉक्टर साहब क्या मेडिसिन इसके लिए लें, तो दोस्तों मैं यहाँ पर मेडिसिन के लिए आपको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इससे टेम्परेचर बढ़ती है, इससे जो रही सही स्मेल है वो भी चली जाती है, ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया। आप मेरा जो स्मेल लॉस वाला वीडियो देख सकते हैं कि मेरी स्मेल कैसे वापस आई, ठीक है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।